औरत अस्तगफिरुल्लाह बहुत महंगा है यार। यहाँ तक तो गाड़ी आ गई है, आगे पता नहीं क्या होता है। दोस्तों तुम लोग सोच रहे होगे जाजी भाई सब कहाँ पे हैं। मैं हूँ इस वक्त खुजदार में। खुजदार में आने का मेरा शुरू से दिल था, क्योंकि खुजदार जो है वो फेमस है अपनी पिकनिक पॉइंट्स आबशार और उसके लिए। और यहाँ पे एक पॉइंट है मोला चुटुक। मेरा हमेशा से दिल था कि मैं वहाँ पे हूँ, फाइनली मैं फ्री हुआ हूँ और आज जो है हम लोग जाने वाले हैं मोला चुटुक। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने जाना है बाजार। अभी हम लोग पहुंचे हैं खुजदार बाजार में और आज जो है वो संडे का दिन है, तो काफी जो है यहाँ पे रश कम है। वैसे यहाँ पे रश बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे जो है हम लोग चिकन वगैरह लेंगे और वहाँ पे जो हमारा प्लान है सारा कुकिंग करने का और कैंपिंग करने का। वहाँ पे भी खाना मिलता है, लेकिन ये है कि हम लोगों का जो अपना कैंपिंग का मजा है वो इसी तरह होगा कि हम लोग कैंपिंग भी खुद करें और हम लोग वहाँ पे जो है खाना भी खुद बनाएं। तो 4x4 चलती है ना यहाँ पे, ठीक है। तो मैं पिछली बार 4x4 पे गया था, ठीक है। इस बार हम जा रहे हैं जाजिद की गाड़ी पे, तो देखते हैं इस बार क्या एडवेंचर मिलता है हमें कार पे। 4x4 का मज़ा तो अलग था, अब देखते हैं पत्थरों में और पत्थरी के इलाकों में कैसी गाड़ी हमें मजा देती है। खुजदार जो है वो कोयटा से तकरीबन कोई 3 घंटे के सफर पे है, 300 किलोमीटर है। और खुजदार जो है वो फेमस इसलिए क्योंकि नॉर्थ बलोचिस्तान का जो सेंटर है वो खुजदार है। यहाँ से जो है वो 300 किलोमीटर कोयटा जो बलोचिस्तान का कैपिटल है और 300 किलोमीटर ही सिंध है। अगर सिंध के बॉर्डर पे आपने जाना है तो 300 किलोमीटर, तो इसलिए जो काफ़ी फेमस है खुजदार। और अगर आपने नॉर्थ बलोचिस्तान पूरा घूमना है तो ये है कि आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से जो पूरा बलोचिस्तान है नॉर्दर्न वो एसेसिबल हो सकता है आपको। जो पेट्रोल है वो 160 का है, वैसे पाकिस्तान में चल रहा है 210 का। पेट्रोल के बारे में क्या बोल रहे थे? औरत अस्तगफिरुल्लाह बहुत महंगा है यार। महंगा बहुत महंगा है। 160 ये महंगा नहीं बना हुआ। इधर आ जा। ओके खुजदार में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है और मुझे लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी। कोयटा में जो मौसम सही था, जून जो है वो स्टार्ट हो गया है तो गर्मी इतनी बनती हुई है यहाँ पे। हम जो है मोला चुटुक के लिए जा रहे हैं, अभी निकलने लगे हैं। मोला चुटुक जो है वो खुजदार से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है और काफ़ी जो है 150 जो है वो नॉर्मल है। उसके बाद ऑफ रोड भी है जो कि और ख़तरनाक है। और हमारे पास जो है वो ये वाली गाड़ी है, ये नहीं ये गाड़ी है और ये नहीं यार ये नहीं डाल करो भाई। ओके ये जो गाड़ी है 4x4 जो गाड़ी वहाँ पे जाती हैं, लेकिन हम जो है वो इस पे जाने वाले हैं, देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते। उम्मीद है, दुआ करो। से हम लोग M8 मोटरवे से आए थे और यहाँ पे जो है वो मोटरवे आगे जा रही है, लेकिन हमने जो है वो इस तरह मुड़ जाना है। यहाँ से तकरीबन जो है वो 50 किलोमीटर है मोला चुटुक और हम लोगों ने तकरीबन 170 किलोमीटर जो है खुजदार से यहाँ तक कवर किया। आप पीछे से यहाँ से पानी लेंगे और फिर अपनी मंजिल को निकल जाएंगे। यहाँ तक तो गाड़ी आ गई है, आगे पता नहीं क्या होता है। चलो ओके आगे जो है वो एक ट्रक ख़राब हो गया है और हम लोग चढ़ाई पे हैं। जैसे आप देख रहे हैं पीछे गाड़ी है और ये जो है ट्रक ख़राब है और अब यहीं से जहाँ से भाई ने ड्राइव करके अपनी गाड़ी निकालनी है। हाँ जी, जैसा आप देख सकते हैं ये भागते हुए ला रहा है आराम से। इधर जंगल है, ये मारो इधर चल 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 कोई फाइनली हम लोग 5.5 घंटे के बाद, हमें 5.5 घंटे खुजदार से लगे हैं इस गाड़ी के ऊपर यहाँ तक आते हुए रेस्ट हाउस के पास। अभी आगे जो है वो पॉइंट है मेन, जिसे कहते हैं मोला चुटुक। और पीछे जैसे आप देख सकते हैं सारे साथी जो बुरा हाल हो गया। ये जो मेरा सफ़र था ना, जो मैंने मतलब कि किया है खुजदार से लेके यहाँ तक का, मतलब भीच का,
ये मेरा सबसे वर्स्ट जो है ना वर्स्ट सफ़र था। मतलब आपके पास अगर 4x4 है तो आप आ सकते हैं। इसको लेके आने की जो है वो मैंने ज़्यादती की है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी आ गए हैं, जाना भी है वापस, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या हाल है आपका? ओए सुधर जा। ये बंदे की बहुत ज़्यादा रास्ते में तबीयत खराब हुई है, बता। चक्कर आ रहे हैं। ओके, जो चिटोक का जो है मेन पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे है, जो कि हमें तकरीबन कोई 15-20 मिनट जो है वो चल के जाना पड़ेगा। सामान जो है वो बहुत ज़्यादा है, मैं कुछ ज़्यादा ही कैमरा इक्विपमेंट ले आया इस दफ़ा, और जिस तरह आप देख सकते हैं ये लोग भी फुल टाइम सामान उठा के कर रहे हैं, क्योंकि कैंपिंग वैम्पिंग सब कुछ जो है हम लोगों ने वहीं पर करना है। थक गए हैं सच में, बहुत ज़्यादा सफ़र था। पानी देख के जो सुकून मिला ना, बता नहीं सकता। अभी थोड़ा सा सांस लिया, अभी भी तकरीबन कोई 10 मिनट का सफ़र रहता है। बहुत ज़्यादा थक गए, सीरियसली बहुत ज़्यादा थक गए। फाइनली पहुंच गए मौला चुटुक, उसके अंदर जो है सामने वो आबशार है जहाँ से पानी आ रहा है। अभी हम लोग वहाँ पे जो है कैंपिंग करने लगे हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मौला चुटोक, जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये मौला चुटोक का पॉइंट है। हमने अपना कैंप लगा लिया, मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं किया, मैं जल्दी से पानी में चला गया हूँ, और तकरीबन मेरी ना 30-40% जो थकान है वो उतर गई है। अब जो हम वो अंदर जो आबशार जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं वहाँ का सीन कैसा है। अभी हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, जो कि मेन जहाँ पे आबशार है, जिसको रियल मौला चुटोक कहते हैं, जहाँ से पानी आता है जो आबशार है। काफ़ी लोगों का कहना है कि यहाँ से जो पानी ऊपर से गिरता है बहुत ही प्यारा जो है मंजर पेश करता है, तो मैं जो है वहाँ जाने लगा हूँ। और पीछे आप मेरे देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग प्लेस है। ये है कि थका दिया है, लेकिन एंड में जो यहाँ पर आके जो सुकून मिला पानी में सब कुछ, यार बहुत मज़ा आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। वो यहाँ पर तस्वीरें खींच रहे हैं, और ये चेक करें कुदरती गार बनी हुई है। आगे चलते हैं। ओके, जब मैं यहाँ पे आया था मुझे उम्मीद थी कि ठंडा ठंडा पानी होगा और मैं ठंडे ठंडे पानी में ले जाऊँगा, लेकिन रियलिटी में ये है कि पानी जो है वो काफ़ी गर्म है, मतलब नॉर्मल है, गर्म है। मेरे पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, इसका टेक्सचर जो है, इस तरह के पहाड़ जो है वो मैंने पूरे बलूचिस्तान में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में नहीं देखे। सिर्फ एक दफ़ा इसका टेक्सचर देखो और तुम लोगों को पता चलेगा कि मैं सच में जो है ना इनकी तारीफ जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। ओके, तकरीबन शाम के 7:30 बज रहे हैं, और नहा धो के फ्रेश हो गए, सच में मतलब सुकून आ गया। इतने थके हुए थे सुबह से कि बता नहीं सकता, फाइनली सुकून आ गया। पीछे जो है वो हम कढ़ाई बनाने लगे हैं, और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। और हमारे शेफ़ से पूछते हैं कि शेफ आपने कभी पहले बनाया कुछ के नहीं बनाया, पहली दफ़ा है? नहीं नहीं, बार बार बनाता हूँ मैं। क्वेटा में हॉस्टल, ऐसे समझो हॉस्टल का शेफ हूँ। अच्छा अच्छा। वहाँ पे मेरे साथ तकरीबन 5-6 लोग रहते हैं, और उन सब के लिए आप खाना बनाते हैं? सब के लिए मैं बनाता हूँ, मतलब काम डिवाइड है लेकिन बनाना मेरा काम। बस फिर परफेक्ट हो गया, इंशाल्लाह वैसा ही हो जाएगा। Thank you.
फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। गुड है, टेस्ट भी अच्छा है और नॉर्मल है ना, स्पाइसी बिल्कुल लेवल है। शेफ तो अपनी तारीफ कर लेगा दूसरों से रिव्यू, माशाल्लाह बहुत बेहतर। ओके, रात का टाइम है और हम आबशार के पास जा रहे हैं, ये पता नहीं क्यों लेकिन हम जा रहे हैं। टाइम तो है तकरीबन कोई 12 बज रहे हैं और बोर हो रहे थे बातें कर करके, जो है उन लोग थक गए थे, तो हमने कहा क्यों ना आबशार की तरफ जाए। और फिलहाल हम लोग पानी में, और आप जिस तरह देख सकते हैं कोई भी नहीं है। जब हम लोग सुबह यहाँ पे पहुँचे थे पानी का जो प्रेशर था वो बहुत कम था, रात के टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, और सच में बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने कैंप जो लगाया है वो भी झरने के बहुत पास लगाया है, ये ना रात को ही हम तैरते हुए खुशदार पहुँच जाए जहाँ से पानी निकल रहा है। ये बहुत स्लो था और अभी मतलब इतना फास्ट हो गया। जब भी मैं कोई ऐसी जगह पर जाता हूँ जहाँ पे मतलब लाइट नहीं होती, मतलब सिटी की लाइट्स नहीं होती, तो स्टार्स देखने का इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना। अभी भी मैं अपने कैंप से बाहर देख रहा हूँ और स्टार्स इतने ज़्यादा ब्राइट हैं। कभी आप ट्राई करना कि किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट ना हो और आप सिर्फ लेट के स्टार्स की तरफ देखो, मतलब एक अलग तरह की जो है वाइब होती है, और ये वाइब जो है मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि मैं बता नहीं सकता। गुड मॉर्निंग, अभी अभी उठे, तकरीबन कोई 6:30 हुए हैं और अभी भी हम मौला चुटुक में हैं। रात ऐसे गुजरी के नीचे जहां हम लोग सोए हैं स्लीपिंग बैग्स हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो पत्थर के ऊपर सोए हैं। और रात जो है वो बहुत बुरी गुजरी, ना हवा थी और ना कुछ था, मच्छरों ने काट करके जो है वो बुरा हाल कर दिया। लेकिन ये है कि अभी जो हम लोग बिल्कुल सेट हैं फ़िलहाल, कल की जो थकान थी उधर की इब्तिसाम जो है वो अभी सोया हुआ है। बाहर चलते हैं और बाहर का सीन दिखाते हैं, मुंह शुद्ध होते हैं और निकल जाते हैं वापस अपनी मंजिल की तरफ। ये जो है सफ़र मुझे हमेशा याद रहेगा, इसलिए याद रहेगा क्योंकि मैं पहली दफ़ा जो पत्थरों के ऊपर सोया हूँ और मेरी कमर जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। ये हमारा कैंप है, ये अरबाब लोगों का कैंप है। यहाँ पे 2 लोग सोए थे और यहाँ पे हम लोग 3 लोग सोए थे। ओके, मुंह शुद्ध हो लिया, हम लोगों ने पैकिंग वैकिंग सब कुछ कर ली है, टेंट वेंट सब कुछ पैक कर लिया है। इधर का जो सफ़र है वो मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, एक तरह का यूनिक मेरा एक्सपीरियंस था। तो आई होप कि ये व्लॉग पसंद आएगा, व्लॉग पसंद आया लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिस वीडियो सर हफ्ते बनाता हमेशा लाइक कर दो, फेसबुक पर फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, ट्विटर पर, और मैं तुमसे मिलता हूँ अगले हफ्ते। बेल आइकन मारो यार, बाय। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.